एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है किचन हॉल वीडियो, और हम लेडीज को हॉल वीडियोस देखना बहुत पसंद है, चाहे वो क्लोथिंग हॉल हो, मेकअप हॉल हो या किचन हॉल हो। एक्चुअली हम लोग रिसेंटली मूव हुए हैं एरिजोना से शिकागो, और मैंने यहाँ पे न्यू किचन सेटअप किया है, और उसके लिए मैंने काफी सारा न्यू सामान लिया है जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। मेरे जो एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उन्होंने काफी मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपना हॉल वीडियो शेयर करूँ, सो हियर इट इज। आई होप कि आप लोग ये वीडियो एंजॉय करेंगे, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये मैजिक बुलेट जो मैंने ली है वॉलमार्ट से। ये 11 पीस का सेट है, इसमें ये कि मशीन आती है, एंड इसकी इतनी स्लीक डिजाइन है कि आप किचन में से कहीं पे भी प्लग कर दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। इसके साथ दो जार्स आते हैं, एक ये बड़ा जार है और एक छोटा जार भी आता है, और एक ये कैरी ऑन जार आता है जिसके एक हैंडल भी होता है, और इसके लिड्स भी हैं काफी डिफरेंट तरीके के, तो आप इसको आसानी से अपने ऑफिस वगैरह भी लेके जा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये है मशीन, बहुत ही स्लीक डिजाइन है जैसा कि मैंने बोला, और साथ ही साथ इसके ये दो जार्स हैं, एक छोटा जार है अगर आप थोड़ी सी स्मूदी वगैरह कुछ बना रहे हैं बच्चों के लिए, और ये थोड़ा एक बड़ा जार है। और इनकी अच्छी बात ये है कि जब आप स्मूदी इसमें बनाते हैं तो डायरेक्टली इससे भी पी सकते हैं, इसकी ये रिंग्स आती है, आप इसके ऊपर लगा के इजीली इसको ही यूज कर सकते हैं एज अ ग्लास। और इसका जैसा कि मैंने बोला कि एक कैरी ऑन ग्लास भी आता है, जो मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस लेकर गए हुए हैं, उसकी दो टाइप की लिड्स हैं, एक तो ये वाली लिड है और एक ये इस तरीके की लिड भी है इसमें, तो बहुत ही अच्छा रहता है अगर आप ये इसे बाय करते हैं अपनी किचन के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये फ्रूट बास्केट, ये टू टीयर फ्रूट बास्केट है जो मैंने ली है रॉस से। ये बहुत ही एक अच्छा कलर एलिमेंट डालता है किचन में, जब आप कलरफुल फ्रूट्स इसके अंदर डाल के और अपनी किचन में रखोगे तो बहुत टेम्पटिंग लगता है, जब आप फ्रूट्स को देखोगे तो डेफिनेटली खा भी लोगे, और एक कलर एलिमेंट भी आपकी किचन में आ जाता है। उसके बाद है ये हैंड मिटन जो मैंने डॉलर ट्री से लिया था फॉर जस्ट $1, और इसका प्रिंट देखिए कितना सुंदर है, ये भी एक पॉप ऑफ कलर डालता है मेरी किचन में। उसके बाद मैंने लिया था ये तवा, ये कैल्फलॉन ब्रांड का है, ये मैंने रॉस से लिया था आई थिंक फॉर $20। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द प्राइजेस, मैं ट्राई करूंगी, जिस भी चीज का लिंक मुझे मिल जाएगा मैं अमेजोन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बट मैंने सारी शॉपिंग स्टोर से करी है। ये कैल्फलॉन ब्रांड का मैंने लिया था, काफी हैवी है, बेसिकली जब हम रोटी पराठे बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटा वाला तवा चाहिए होता है, तो इसके लिए ये परफेक्ट है। देखिए ये काफी मोटा है, 12 इंच का है, एंड मुझे काफी पसंद आया, मैं काफी दिन से अब इसे यूज कर रही हूँ। उसके बाद है एक क्यूट सा ऑयल डिस्पेंसर जो मैंने लिया था टीजे मैक्स से, मुझे इसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, बट आई थिंक इट वॉज फॉर $5 or $6, और ये बहुत ही क्यूट लगता है किचन में रखा हुआ भी, बहुत सुंदर लगता है, एक एस्थेटिक वैल्यू डालता है आपकी किचन में, एंड इट इज जस्ट परफेक्ट साइज, इतना ऑयल आप इसमें फिल कर लीजिए और आराम से आपका 15-20 दिन चल जाएगा, सो मुझे ये काफी क्यूट लगा अपनी किचन के लिए। अब मैं आपको ये बाउल्स दिखाती हूँ जो मैंने कॉस्को से लिए थे, ये 6 के पैक में आए थे, एंड हर ये 3 कलर के हैं और हर कलर के दो दो बाउल हैं, और आप इसकी बॉडी देखिए कितनी प्रिटी है, आई थिंक देवर फॉर $8, एंड काफ़ी स्टर्डी है और डिशवॉशर एंड माइक्रोवेव सेफ है, तो ये काफ़ी यूज़ में आते हैं जब आप कुछ आलू की फिलिंग वगैरह बनानी है या पनीर की फिलिंग बनानी है पराठों के लिए, या कभी कभी सब्जी सर्व करने के लिए डिनर लंच के टाइम, तो काफ़ी सुंदर लगते हैं आपके डाइनिंग टेबल पर रखे हुए भी है। इसकी बॉडी बहुत प्रिटी लगती है मुझे, और कलर्स भी बहुत वाइब्रेंट हैं, ये देखिए। अब मैं आपको ये छोटे वाले बाउल्स दिखाती हूँ, ये प्लेन व्हाइट कलर के मैंने रॉस से लिए थे, 4 बाउल्स फॉर आई थिंक $4, एंड काफी सुंदर लगते हैं सब्जी वगैरह सर्व करने के लिए डिनर के टाइम पे, प्लेट में रखने के लिए बेसिकली, ये काफी अच्छे लग रहे थे मुझे, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने क्यूट लुकिंग कॉफी मग्स, ये मैंने वॉलमार्ट से लिए थे, ये कॉपर के हैं, और देखिए ये कितने सुंदर लगते हैं देखने में, किचन में रखे हुए भी ये बहुत सुंदर लगते हैं, और इनका साइज भी काफी बड़ा है, तो आप इसे इजीली चाय कॉफी या दूध वगैरह सर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसे मैं स्पेसिफिकली मॉर्निंग में यूज करती हूँ, इसमें मैं रात में पानी डाल के रख देती हूँ और मॉर्निंग में उठ के पीती हूँ। कहा जाता है कि कॉपर के मग्स में अगर आप मॉर्निंग में पानी पीते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, तो ये मुझे बहुत क्यूट लगे थे। अब मैं आपको अपनी छोटी सी कढ़ाई दिखाती हूँ, आई थिंक ये स्टील की है,
और देखिए इसके हैंडल भी कितने सुंदर है। अगेन ये बहुत ही एंटीक लगती है देखने में, जब आप पनीर वगैरह की सब्जी बनाएं या दाल तड़का बनाएं और इसमें सर्व करें तो बहुत ही सुंदर लगता है ये। मैंने इसे रॉस से लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ये स्पेचुला होल्डर जो मैंने अगेन वॉलमार्ट से लिया था। मैंने सेरामिक फिनिश का लिया है बट इसकी बहुत वेराइटीज अवेलेबल है हर स्टोर पे, चाहे आप डीजे मैक्स जाएं, रॉस जाएं या वॉलमार्ट जाएं। इसमें एक सेरामिक टच में आता है और एक ये मेलामाइन टच में आता है, तो मैंने मेलामाइन वाला लिया है क्योंकि थोड़ा सा ईजी होता है हैंडल करना और काफी कलरफुल है तो किचन में रखा हुआ बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद है ये मल्टीपर्पज ग्रेटर जो मैंने अगेन रॉस से लिया था और देखने में काफी क्यूट सा लगता है। आप इसे ऐसे होल्ड करके और फिर ग्रेट करते हो, इसके काफी सारे साइड्स हैं, आप इसमें स्लाइसेस बना सकते हो, बड़ा ग्रेटर है, छोटा है और थोड़ा सा डिजाइनर स्लाइस भी बना सकते हो। मैंने दो अभी इसे बहुत ज्यादा यूज नहीं किया बट मुझे ये देखने में काफी अच्छा लगता है। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना सॉस पैन, ये क्यूजीन आर्ट का है और 1 लीटर का है। ये मैंने बेड बाथ एंड बियॉन्ड से लिया था और काफी थिक मटेरियल है, आप चाहें तो इसमें सब्जी वगैरह भी बना सकते हैं कभी आपको थोड़ी सब्जी बनानी है तो, बट मैं इसे बेसिकली चाय बनाने के लिए या दूध वगैरह गर्म करने के लिए यूज करती हूँ। और इसके अंदर मार्किंग्स भी बनी हुई है, लाइक 2 कप्स के लिए 0.5 लीटर और 4 कप्स के लिए 1 लीटर। सो चाय वगैरह बनाने के लिए काफी मुझे ये हेल्पफुल लगा और अच्छा भी लगता है, ये काफी थिक है। ये स्ट्रेनर मैंने लिया था रॉस से, काफी अच्छा स्ट्रेनर है, काफी बड़ा है तो कभी पास्ता वगैरह बॉईल करना है या चावल बॉईल करके आपको स्ट्रेन करने हैं तो ये काफी काम आता है। और इसमें शायद 3 साइजेस अवेलेबल थे, मैंने मीडियम साइज लिया था जो कि मेरे सिंक में अच्छे से फिट हो जाता है और ये हैंडल के साथ आता है, तो कभी कभी आप जब गर्म चीज इसके अंदर डालेंगे लाइक गर्म पास्ता वगैरह तो आप इसे इजिली ऐसे करके होल्ड कर सकते हो, तो काफी मुझे ये अच्छा लगा, बड़ा भी काफी है। सो इट इज गुड फॉर अ फैमिली ऑफ 4 और 5 आई गेस। मैंने अपनी किचन के लिए और भी बहुत सारा नया सामान लिया है जो मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बिकॉज अगर आज सारा सामान दिखाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड आई रियली डोंट वांट टू डू दैट। सो इस वीडियो का पार्ट 2 मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूंगी, जब भी आप कोई पॉट्स या पैन्स या तवास लेते हैं गो फॉर सम नोन ब्रांड्स। मेरे जो नॉन ब्रांड्स है वो है कैल्फलॉन और क्यूजीन आर्ट। इनिशियली जब आप इन दोनों ब्रांड्स के चीज़ों का प्राइस देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, बट ट्रस्ट मी आप थोड़ा सा ज़्यादा पे करेंगे और ये चीज़ें बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, इनका जो नॉनस्टिक होता है वो बहुत अच्छा चलता है। सो ट्राई करिए कि इन्हीं ब्रांड्स को आप ट्राई करें एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा और इनके स्पैचुलास भी बहुत अच्छे होते हैं। सो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर करिएगा सारे लेडीज़ के साथ जिन्हें किचन हॉल्स बहुत पसंद है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और इस वीडियो का पार्ट 2 डेफिनेटली बहुत जल्दी आने वाला है तो आप उसके लिए भी वॉच आउट करिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के हॉल वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी चीज आई। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।